नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से एक बड़ी खबर, दुखद खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। बता दें यशपाल शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हुआ है। 1983 में विश्व कप जिताने वाली टीम का हिस्सा रहे थे यशपाल। 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बेहद ही ज्यादा दुखद खबर इस वक्त की है। 66 साल की उम्र में हार्ट अटैक से एक महान क्रिकेटर का निधन हो गया है। बता दें पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। 66 साल की उम्र में यशपाल ने ली अपनी अंतिम सांसें और हार्ट अटैक की वजह से यशपाल शर्मा का निधन हो गया है। बता दें कि 1983 में विश्व कप जिताने वाली टीम का हिस्सा रहे थे यशपाल, और हार्ट अटैक की वजह से 66 साल की उम्र में ही उनका निधन हो गया है। और इसी के साथ ही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक अब शुरू कर दी गई है। जहां सपा प्रदेश कार्यालय पर यह समीक्षा बैठक की गई, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में इस मीटिंग को किया जा रहा है। बता दें जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव मौजूद हैं और पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि ये एक मंथन किया जा रहा है सपा का, जहां पर सभी कार्यकर्ता और नेता यहां पे मौजूद हैं। जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव जो है यहां मौजूद हैं, और इसी बीच पार्टी कार्यालय पर एक बड़ी अहम बैठक यहां पर चल रही है, जहां अखिलेश यादव खुद इस बैठक में मौजूद हैं। और इसी के साथ ही चुनाव में मिली हार के बाद ये समीक्षा बैठक की जा रही है, जहां पर सपा प्रदेश कार्यालय पर यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां अखिलेश यादव खुद इस अध्यक्षता करते हुए इस मीटिंग में अहम मंथन करने जा रहे हैं। बता दें पार्टी कार्यालय पर यह बड़ी मीटिंग चल रही है, और जिलाध्यक्ष और जिला महासचिव सपा के यहां पर मौजूद हैं, और इसी के साथ ही मंथन किया जा रहा है। साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा होने के भी आशंका जताई जा रही है। इसी बीच आपको बता दें, लगातार सपा को उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है, उसको लेकर यह मंथन बैठक की जा रही है। मंथन बैठक यहां पर की जा रही है, जहां सपा प्रदेश कार्यालय पर यह समीक्षा बैठक जारी है। इस दौरान अखिलेश यादव की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है, जहां पर सपा के जिला महासचिव भी मौजूद हैं, और इसी के साथ ही जिला अध्यक्ष वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है, साथ ही हार क्या मंथन यहां पर किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा होने जा रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच बीएचयू परिसर छावनी में तब्दील हो गया है, जहां पीएम के हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल किया गया है। इसी बीच चप्पे चप्पे पर एसपीजी की कड़ी नजर बनी हुई है। बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर मंच बनाकर तैयार भी कर लिया गया है, और सभी तैयारियों का खुद सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचेंगे। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, पीएम के दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचेंगे। बीएचयू के आईआईटी ग्राउंड पर मंच बनकर तैयार हो चुका है, और साथ ही चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन इन सबके बीच तमाम तैयारियों का जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री की जो दौरा होना है, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचेंगे निरीक्षण करने, और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वाराणसी पहुंचकर सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। बता दें वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने के लिए 15 जुलाई को पहुंचने वाले हैं, और इसी के साथ ही आईआईटी ग्राउंड पर एक मंच बनकर भी तैयार कर लिया गया है। और आज प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेकर